और यहाँ पर नागौर के जो रामदेव पशु मेला से हरियाणा से जो दो साथी आए हैं, इन्होंने इन बछड़ों को खरीदा है। यहाँ पर जो ये जो जोट है ये प्रथम आई है। तो आश्चर्य की बात ये है कि ये गौशाला से आए हैं। नागौर जिले के डेगाना तहसील के एक गांव की जो गौशाला है वहीं से ये बछड़े निकल कर आए हैं। तो अगर गौशाला में इतने शानदार बछड़े मिल जाते हैं तो किसान भी अपने घर पर रख सकता है। और आज के समय अगर बात की जाए, ज़्यादातर नागौरी नस्ल गौशालाओं में ही मिलेंगी, क्योंकि किसानों ने विलुप्त कर दी नस्ल। किसान इस नस्ल को रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस नस्ल की जो गाय दूध उत्पादन बहुत कम निकाल कर दिखाती है, क्योंकि नस्ल संवर्धन का काम इस नस्ल के ऊपर नहीं हुआ। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम आपका? कृष्ण। कृष्ण कौन से गाँव से आप? राड़वास खुर्द। राड़वास खुर्द हिसार जिले में। हिसार जिले में। अच्छा, हरियाणा से हिसार से यहाँ नागौर में बैल खरीदने के लिए आए थे? हाँ, बस बछड़े लेने के लिए आए। बछड़े के लेने के लिए आए थे। अब आप इन बछड़ों का क्या करोगे? पालेंगे इनको, और तो क्या करेंगे इनसे? पालोगे इनको? हाँ, खेती के लिए ले रहे हो या फिर दौड़ के लिए? खेती भी कर लें, दौड़ भी कर लें। बाकी जैसे जैसे ये बताएंगे क्या करेंगे, ये दौड़ में कामयाब होंगे तो दौड़ में लगा देंगे, नहीं तो खेती तो है ही अपने। आपने क्या क्या विशेषताएं देखी इसमें? विशेषताएं तो ये नागौर नस्ल के प्रथम आए यहाँ प्रदर्शनी में, तो पूरा ही मेला ये बोल रहे भाई सबसे अव्वल दर्जे के बछड़े हैं। अच्छा, इसलिए हमने नहीं, उन्होंने बोला अव्वल दर्जे के बछड़े हैं। आपने कुछ विशेषताएं? विशेषताएं तो इनको गड़कम्बल नहीं है, नाप भी नहीं है, कान छोटे हैं, प्योर नागौरी नस्ल है। मतलब जी जी जी, चादर नहीं है, ऊंटनी नहीं है, बारीक पुंदड़ी है। ठीक है, तो और भी आपने कुछ और क्या क्या विशेषताएं देखी जैसे इसके अलावा, और बताएं थोड़ा बहुत आपके हिसाब से क्या क्या विशेषताएं और होती हैं इनमें? एक तो बाघ में बढ़िया रहता है, दौड़ में बढ़िया रहेगा। ठीक है, हल्के लिए भी बढ़िया है, समझदार है ये। ठीक है, प्योर मारवाड़ी की नस्ल यह है। ठीक है जी, ठीक नागौर जिले दूध देवांगे, घी देवांगे, चने देवांगे। जी जी जी, जो नागौरी बछड़े होते हैं उनके जो कान आगे से बिल्कुल पहने मिलेंगे, काला नाक मिलेगा, पतला मुंह और कान, पतला मुंह मिलेगा, कान छोटे मिलेंगे, हरियाणा नस्ल के थोड़े बड़े मिलेंगे, जो चेहरा बिल्कुल स्पाट मिलेगा घेटी के नीचे, और जो गलकंबल है ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सुंडी या नाभी बिल्कुल नहीं मिलेगी, थुई बिल्कुल पतली मिलेगी और अगले पैर विशेदाई में मिलेगी। और फुर्ती या क्रियात्मक ऊर्जा के मामले में सबसे तेज जो नागौरी नस्ल के बछड़े ही होते हैं, ये देखिए आप।